जय हिंद। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म के दूसरे पार्ट में। इससे पहले हम लोगों ने लगभग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखा था, वो भी फिगर के माध्यम से। तो अब हम लोग उससे आगे के क्वेश्चन आंसर देखेंगे और जानेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ UIDAI। आप लोग इसका देख सकते हैं UIDAI। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ MCQ। MCQ का फुल फॉर्म हो जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन का टाइप है, एक प्रकार है क्वेश्चन का। ये बहुत हाई लेवल, इसमें चीटिंग बहुत कम हो पाती है। अगर किसी को कोई बुक भी दे दिया जाए तो वो चीटिंग नहीं कर पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ ईमेल। ईमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ जीमेल। जीमेल का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा गूगल मेल। ये जीमेल का फुल फॉर्म हो जाएगा। आजकल हर कोई जीमेल और ईमेल यूज कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ KYC। तो KYC का फुल फॉर्म हो जाएगा नो योर कस्टमर। आजकल बैंक में या फिर आप कहीं एक मामूली सा गैस कनेक्शन लेने जाते हैं तो वहाँ भी KYC करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ HCL। HCL का फुल फॉर्म क्या होगा? तो हो जाएगा हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड, HCL का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BCOM। BCOM का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ कॉमर्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CA। CA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्टर्ड अकाउंटेंट। ये CA का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ CCI। CCI का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ BCCI। ठीक है, BCCI। तो इसका आंसर हो जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ IPS। आप लोग को इसमें आंसर भी देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि ये कौन, इनका नाम क्या है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइए। और ये जो हैं इनके बारे में आप लोग जरूर बताइए हमें कमेंट करके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ SEO। तो इसका आंसर हो जाएगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, SEO का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ GB। आजकल हम लोग देख ही रहे हैं, मोबाइल हो लैपटॉप हो हर चीज़ का इतने जीबी सब लोग कहते रहते हैं। तो GB का फुल फॉर्म हो जाएगा GB। आप लोग फोटो देख सकते हैं, ये सब स्टोरेज डिवाइसेस हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ MB। तो इसका आंसर हो जाएगा MB। आप लोग फोटो देख सकते हैं, पहले मेमोरी कार्ड MB में आया करता था, अब तो MB में बहुत कम ही आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ PIN कोड। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड। ये जो हम जैसे हर राज्य का हर जिले का अलग अलग पिन कोड होता है, जरा आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके जहाँ रहते हैं वहाँ का पिन कोड क्या है। आप लोग कमेंट करके बताएं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ AIR। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, AIR का। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ NDA। तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी। देखिए, अगर आपको इस वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और अपने दोस्तों में इसे शेयर करें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो BSS ऑनलाइन को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ RIP, रिप। इसका आंसर हो जाएगा रेस्ट इन पीस। जब ये काफ़ी मतलब
जब कोई शोक में होता है, किसी की डेथ हो जाती है, तो लोग रिप करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीटेक, बीटेक का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बीटेक इंजीनियरिंग। आप लोग सुनते होंगे कि बीटेक, ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग देख ही लिए, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ बीएड, बीएड का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैचलर ऑफ एजुकेशन, बीएड का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ टीआईएन, टिन, तो इसका आंसर हो जाएगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीआईएफ, आजकल जीआईएफ सब लोग बहुत भेजते हैं व्हाट्सएप पे कहीं भी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आरटीओ, आरटीओ ऑफिस, ठीक है, तो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस इसका हो जाएगा, आरटीओ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईएफएससी, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ है, जब हम लोग किसी को खाता पैसे डालना होता है, अकाउंट नंबर देते हैं, तो आईएफएससी कोड वो लोग मांगते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बैंक में, बैंक का आईएफएससी कोड होता है, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, आईएफएससी कोड का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी, आजकल जितने भी बुक हैं तो उस पर लिखा ही रहता है, आप लोग देखते ही हैं कि एनसीईआरटी से संबंधित है, ठीक है, और जितने भी प्राइवेट सेक्टर में बुक चलते हैं वो भी एनसीईआरटी पैटर्न पे ही होते हैं। तो एनसीईआरटी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ आईएएस, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आईएएस का आप लोग लोगो देख सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये आईएएस का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ जीपीएस, तो जीपीएस का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, मोबाइल में रहता है जीपीएस, आप लोग देखते होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सिम, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और हर एक के पास ये होता है सिम, तो इसका आंसर हो जाएगा सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ये सिम का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी, तो इसका आंसर हो जाएगा लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एलईडी, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइट इमिटिंग डायोड, ये जो एलईडी टीवी होता है इसमें भी यही लगा होता है, लाइट इमिटिंग डायोड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई, तो इसका आंसर हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, आजकल तो वाईफाई का जमाना है, हर कोई वाईफाई ऑन करता है और हॉटस्पॉट से कनेक्ट करता है, तो इस तरीके से इसका हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी, तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ एसबीआई, आप लोग इसका लोगो देख सकते हैं एसबीआई, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ वीआईपी, आप लोग जरा हमें कमेंट करके बताइए, अभी हमने आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि वीआईपी, वीवीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएं, तो वीआईपी का हम बताते हैं आपको, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूएचओ, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूएचओ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, आजकल तो हर जगह यूपीआई है, पेमेंट करना हो क्यूआर कोड के माध्यम से, ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं यूपीआई का फुल फॉर्म। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए इसका हम फुल फॉर्म जानते हैं, तो इसका हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है, यूपीआई, आप लोग देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ आईसीयू। आप लोग देखते होंगे हॉस्पिटल में आईसीयू होता है, तो उसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म इंटेंसिव केयर यूनिट। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एमएमएस, तो इसका आंसर हो जाएगा मल्टीमीडिया मैसेजिंग सर्विस। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी, यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हर कोई देखता होगा यूएसबी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूएएन, तो इसका आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जैसे हमारा पैन होता है ऐसे ये यूएएन होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एचटीटीपी, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एमसीबी, तो इसका आंसर हो जाएगा मिनीट्योर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ जेई, तो इसका आंसर हो जाएगा ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ रोम, तो इसका आंसर हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ एमबीए, तो इसका आंसर हो जाएगा मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। आप लोग एमबीए का फुल फॉर्म देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एचटीएमएल, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइपर टेक्स मार्कअप लैंग्वेज, ये एचटीएमएल का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखते हैं फुल फॉर्म ऑफ फीफा, FIFA, तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। ठीक है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फीफा का फुल फॉर्म है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लगभग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म क्वेश्चन आंसर देखे और जाने। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, और जो लोग इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिल सके। आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।